नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका स्वागत है मेरे चैनल गैजेट प्रेमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लाइट वेट वेइंग स्केल जो किचन के कामों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इसके लिए मंगाया क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि ड्रोन्स बनाता हूँ, तो उसका थ्रस्ट चेक करने के लिए ये वेइंग स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे आज ही डिलीवर हुआ है अमेज़ोन से। मैंने इसको दो दिन पहले ऑर्डर किया था। अमेज़ॉन की डिलीवरी वैसे भी बहुत फास्ट होती है और उनकी पैकेजिंग बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैकेज मुझे जो मिला है ये कुछ ऐसे पैक होके आया है। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पैक करके यहाँ पे भेजा है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना बेहतरीन पैकेजिंग में आया है। और जो मतलब फोम में जो है, सॉफ्ट फोम में रैप होके आया है, आप देख सकते हो कि ये बबल रैप में भी आया है। और इसका स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखना चाहो तो इसके ऊपर ही लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल। आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी 10 केजी तक है। इसका ऑटो ज़ीरो रिसेटिंग और पावर ऑफ फीचर होता है। और ये 1.5 वोल्ट का AAA बैटरी जो होता है, रिमोट की बैटरी जो होती है, वो दो बैटरी इसमें लगते हैं। और इसमें आप देख सकते हो लो बैटरी इंडिकेटर भी है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। आप देख सकते हो ये SF400 इसका मॉडल नंबर है। कैपेसिटी है 10,000 ग्राम्स की, मतलब 10 केजी। इस पर एक ऑन ऑफ का बटन है, एक मोड का बटन है और एक टायर का बटन है। तो पहले इसमें हम बैटरीज इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका वेइंग जो वेट है कैसे मेजर करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये ऐसे बैटरीज जो AAA साइज़ की बैटरी होती है ये लगेगा। और इसको हम इंसर्ट करके देखते हैं। ये कुछ ऐसे इंसर्ट होगा, उसके बाद हम इस कवर को लगा देंगे। तो ये ऑन ऑफ का बटन से आप ऑन कर सकते हो। आप देख सकते हो इसमें ग्रीन बैकलिट है, ये LCD, और करंटली ये ग्राम्स पे सेट है। आप ये छोटा सा एरो देख सकते हो, आप इसको चेंज करोगे मोड को तो ये आउंस में दिखेगा, लेकिन नॉर्मली इंडिया में हम ग्राम्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम्स में आ गया। ये टायर जो होता है, जिसका मतलब है कि आप इसको रिसेट कर सकते हो ज़ीरो पे। अब मैं इसको यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस पे रखता हूँ, जो काफ़ी एक हार्ड फ्लैट सरफेस है। इसका टेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई स्टैंडर्ड वेट्स नहीं है, जैसे कि आप किराने की दुकान में देखते हो कि नॉर्मली 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स है, फिर 1 kg, 2 kg के जो वेट्स जो उनके पास वजन आते हैं लोखंड के, वैसे वाले सिस्टम तो नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढा है इसको चेक करने के लिए। तो मैंने एक नॉर्मल सा एक बिस्किट का पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी इसका जो वज़न है कितना है वो लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वज़न लिखा है कंपनी ने 66 ग्राम्स दिखाए यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर रख के देखते हैं कि कितना दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है 77 ग्राम्स। जैसे कि मैं पहले भी कहा हूँ कि ये जो वज़न जो इन्होंने लिखा है, ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड या फिर करेक्ट आ जाए, या अभी 66 ग्राम्स के ऊपर ही है। चलो अच्छा है, मैं फ़ायदे में हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिस्किट मिला है इसमें। और ये क्रैक जैक का बिस्किट है, इसके ऊपर भी वज़न लिखा है इन्होंने 69.3 ग्राम्स लिखा है। तो इसे वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये 75 ग्राम्स दिखा रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। ये कोई स्टैंडर्ड वेट्स नहीं है, मैं आपको ये बार बार चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट देंगे कि इसका एक्यूरेसी कितना है। मैंने लोकल किराने की दुकान से ये 250 ग्राम्स का, मतलब 1.5 किलो का ये पैकेज मंगाया था। अब इसको वेट करके देखते हैं कि कितना दिखा रहा है।
ये देखिए 252 ग्राम दिखा रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 ग्राम एक्स्ट्रा है, लेकिन ये किराने वाले ने जो है मेरा काफ़ी ईमानदारी से ये पैकेज करके मुझे सही से मेजर करके मुझे भेजा है। एक और एक वज़न इसका थोड़ा सा हेवी वज़न है, 1 kg के आसपास, तो ये शक्कर का पैकेज है मधुर का, आप देख सकते हो इसमें 1 kg का वज़न का कैपेसिटी वज़न लिखा है इसके ऊपर। इसको रख के देखते हैं, आप देखेंगे कि ये 1019 मतलब 1 kg और 19 ग्राम इसका वज़न दिखा रहा है, मतलब काफ़ी एक्यूरेट है। तो इन सारी चीज़ों में आपको वज़न थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन आप एक पॉइंट को नोट कीजिए जो करेक्ट एक्यूरेट वज़न करके देते हैं, क्योंकि आजकल किराने के दुकान पे भी डिजिटल वेइंग मशीन्स होते हैं जिसके ऊपर ये चेक करके वो लोग हमेशा देते हैं वज़न करके, तो ये भी करीबन उन्होंने परफेक्ट ही वज़न करके दिया है। क्योंकि आप जब भी कोई आइटम लेते हो दुकान से तो वो एक गिराई के लिए सिर्फ जो सामान है वो परफेक्ट मेजर करके ही देते हैं। कंपनीज़ में बल्क प्रोडक्शन होता है तो थोड़ा वेट में फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कंपनी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि आपको जो वेट प्रॉमिस किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा हमेशा। तो ये डेमोंस्ट्रेट करने का पर्पज़ ये है कि ये वेइंग मशीन कितना एक्यूरेट है, और इसके LCD जो है ऑटो स्विच ऑफ होती है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये पूरी तरीके से ये स्विच ऑफ हो जाएगा, और जिसकी आप बैटरी लाइफ इसकी मतलब ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें इसका जो बैटरी की खपत है ये काफ़ी कम है, क्योंकि LCD यूज़ होता है जैसे कि नॉर्मल वॉचेज़ में होता है या फिर घड़ियों में होता है, तो इसका जो बैटरी कंजम्पशन है बहुत ही कम है, और इसमें बहुत ही हाई प्रिसिशन जो है गॉज सेंसर्स सिस्टम्स लगाए हैं इन्होंने, और इसका जो मॉडल नंबर जो मुझे यहाँ पे SF400 दिया है, लेकिन मैंने जो अमेज़ॉन पे इसका ब्रांड जो है नॉर्मल एक जेनरिक ब्रांड है इसका, आई थिंक इसका DT830D करके इसका एक इसका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, और इसकी परचेस आपको कितने में पड़ी वो भी आप देख सकते हो। इसका प्राइस करीबन एक 350 के आसपास हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो मुझे वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि ये छोटा सा ड्रोन मैंने बनाया था, इसका वज़न है 58 ग्राम्स, तो ये काफ़ी एक्यूरेट है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ साइंटिफिकली अगर आपको मेज़र करनी है तो ये काफ़ी मतलब घर में बैठ के भी आप आराम से इसको चेक कर सकते हो। तो ये जो आया है इसके साथ कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एक स्विच ऑफ जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, आप जैसे ही आपका वज़न कोई भी आइटम का आप करते हो उसके बाद आप ऑन ऑफ का बटन दबा के भी आप इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ भी होता है, अगर आपका वज़न करके हो गया तो फिर कुछ सेकंड के बाद वो स्विच ऑफ हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हो कि ओवरलोड इंडिकेटर भी है इसमें, अगर आप इसकी स्पेसिफिक वज़न करने की जो वज़न मेजर करने की जो क्षमता होती है उससे अगर ज़्यादा आप लोड डालेंगे तो इस पर एक एरर देगा ओवरलोड का, जैसे आप देख सकते हो O-LD यहाँ पे लिखा है, और इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखे हैं जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहली बात तो इसको एक हार्ड फ्लैट सरफेस पर रखिए, अगर ये अनइवन सरफेस पे या फिर आप जैसे कि एग्जांपल तकिए पे आप रख के इसको मेजर कर रहे हो तो इसका जो प्रिसिशन है उसको काफ़ी इम्पैक्ट होगा और वो वज़न ठीक से नहीं दिखाएगा। आपको ये हमेशा एक मॉइस्ट क्लॉथ से, जैसे कि आप पानी में भिगो के आप कोई भी कपड़ा निचोड़ के इसको आप पोंछ सकते हो, इसका आप क्लीनर या फिर कोई भी आप जैसे कि कोई भी एब्रेसिव केमिकल से इसको आप साफ मत कीजिए, और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इसको स्टोर करते हो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही इसको आप रख के स्टोर कर दीजिए। ज़्यादा दिन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इसकी बैटरीज आप निकाल के रख सकते हो। और इसमें एक चीज़ और एक बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो होता है कि इसकी बैटरी जो है इसकी खपत बहुत ही कम है, क्योंकि इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है, जिसकी वजह से अगर आप इसको डेली यूज़ करते हो तो इसको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये नया है तो मैं इसको यूज़ करके देखूँगा और इसका यूसेज जो है उसका रिव्यू मैं अलग से डालूँगा। तो
मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।